हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आप जानते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है यूजी के नामांकन के लिए। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो अलॉटमेंट मिला है, यानी जिनको जो ऑफर किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो उनको पसंद नहीं है। इसके लिए वो स्लाइड अप के ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। अब बात रह गई कि स्लाइड अप के ऑप्शंस के बारे में मैंने लगातार 2-3 वीडियो बना करके आपको अपडेट भी किया था कि इस बार स्लाइड अप का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो नोटिस है, उसका जो मतलब है वो सही से न समझ पाने के कारण से कई सारे स्टूडेंट्स फिर से स्लाइड अप के कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करके बैठ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि स्लाइड अप का मतलब होता है कि अगर हम एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर मेरा एडमिशन ही रद्द कर दिया जाएगा और स्लाइड अप नहीं होगा। तो तमाम सारे जो आपके डाउट्स हैं, डाउट्स का क्लियरेंस करने के लिए आज के इस वीडियो को फिर से बनाया जा रहा है, ताकि स्लाइड अप के प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी सर आपका डाउट हो, वो डाउट को क्या किया जाए, क्लियर किया जाए। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, कॉल पर नंबर कर रहे हैं कि ये जो आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसके रिगार्डिंग है, स्लाइड अप के प्रोसेस के रिगार्डिंग, कि स्लाइड अप कैसे होगा, क्या स्लाइड अप करने के लिए पहले आपको एडमिशन लेना ही पड़ता है या एडमिशन नहीं लेना पड़ता है। तमाम सारे डिस्कशन के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से टू द टाइम मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सो स्लाइड अप के सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर लेकर चलता हूँ। अभी मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पोर्टल देख सकते हैं, मैं अपने गूगल के क्रोम ब्राउजर में लिखा हूँ, टाइप किया हूँ। चलिए यहाँ से मैं बढ़ता हूँ, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस पोर्टल पर क्लिक करता हूँ। पहले मैं कुछ अपडेटेड नोटिस के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्या कुछ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियली कुछ नोटिस आया है रिगार्डिंग द स्लाइड अप प्रोसेस, आया है या फिर नहीं आया है। तो मैं अपडेटेड नोटिस वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। अपडेटेड नोटिस वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी अभी आपका स्लाइड अप के प्रोसेस के रिगार्डिंग आपका जो इंस्ट्रक्शंस का लिस्ट है, इसमें इंस्ट्रक्शंस का लिस्ट नहीं दिया गया। हालांकि एक जगह लिस्ट है जो कि बताया गया रिगार्डिंग न्यू इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट कॉलेज, इस तरीके से करके एक मैसेज है। चलिए इस पीडीएफ को भी देख लेते हैं, देखते हैं पीडीएफ में क्या कुछ डिस्कशन किया गया। यहाँ इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट है, मैं इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक किया हूँ। इसके बाद इसको डाउनलोड होने दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, एक इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स करके एक लिस्ट ओपन होता है, जो कि कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इस पीडीएफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन किया गया। हम लोग खोजते हैं कि यहाँ पे स्लाइड अप के बारे में किस पार्ट में यहाँ पे स्लाइड अप के बारे में बताया गया। सबसे पहले इस लिस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है। इसके बाद एडमिशन पोर्टल के बारे में बताया जाता है कि किस कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर कुछ और इंस्ट्रक्शन है, जैसे कुछ पेपर्स के बारे में बताया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए बताया जाता है कि आवेदन प्रपत्र भरने के बाद में चॉइसिंग के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए बताया गया, यहाँ प्रायोरिटी की लिस्ट को लेकर के बताया गया है। अब इसके बाद जब इसी कॉलम में चलते हैं तो कॉलम नंबर 11 है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है सूची को लेकर के। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कन्फ्यूजन, आपके डाउट को, आपके स्लाइड अप प्रोसेस को क्लियर करेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा, फिर भी अगर डाउट्स हो जाए तो कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे मतलब अगर आपको स्लाइड अप करना है तो आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी आप जा करके ज़बरदस्ती परेशान होइएगा, कॉलेज दौड़ धूप वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेगा। और ये नोटिस सर्कुलेट किया गया है एके नाग सर के द्वारा, जो कि 30/7/2022 को नोटिस सर्कुलेट किया गया है, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डीन, यानी स्टूडेंट डीन वेलफेयर जो होते हैं उनके द्वारा। इसमें क्या कुछ बताया गया, चलिए देखिए समझते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन विद्यार्थियों के अंक एवं उनके द्वारा चयनित महाविद्यालयों में कट ऑफ अंक से किया जा रहा है, तथा मेधा सूची उसी के आधार पर होगा। यहाँ तक हो गया कि आपका जो मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट किसके बेसिस पे आया, तो आपका चॉइस के बेसिस पे और कॉलेज का जो कट ऑफ रहा है इसके बेसिस पे। प्रथम मेधा सूची का नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों को द्वितीय मेधा सूची का कोटिवार प्रदर्शन किया जाएगा, यानी अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन खत्म हो जाएगा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। किंतु यहाँ देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या बात बताया गया, परंतु वैसे विद्यार्थी जो प्रथम मेधा सूची में प्रथम वरीयता पा वाले महाविद्यालय में स्थान प्राप्त कर लिए हैं परंतु नामांकन नहीं लिए, यहाँ देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पे है जो सबको समझने की जरूरत है। प्रथम वरीयता, यहाँ देखिए मतलब जिनका भी अलॉटमेंट हुआ है इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और जिनको मिल चुका है फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब अगर आपने कॉलेज का लिस्टिंग किया, कॉलेज माने थे कि आपने चार कॉलेज दिया था, एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन कॉलेज, चार कॉलेज आपने दिया और आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका पहला चॉइस मिल गया, तो अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको दूसरे मेरिट लिस्ट में आपको स्थान शामिल नहीं किया जाएगा, यहाँ ध्यान रखिए। और अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल गया, जैसे लेटर सपोज तीसरा आपको मिल गया, दूसरा मिल गया, चौथा मिल गया, तो आपको क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिला तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं। और स्लाइड अप एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एडमिशन नहीं लेना है,
तो आपका जो च्वाइस है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर खिसकेगा, मतलब स्लाइड होगा, और यही कहलाता है स्लाइड अप प्रोसेस। तो इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो स्लाइड अप प्रोसेस है वो स्लाइड अप प्रोसेस ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और इस ऑटोमेटिकली प्रोसेस का प्रूफ यानी ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस होगा इसके रिगार्डिंग प्रभात खबर के पेपर में ये बात आई भी थी। चलिए मैं वो आपको पेपर का कटिंग भी दिखाता हूँ, क्योंकि इस बात से कोई भी यूनिवर्सिटी के मेंबर्स मुकर नहीं सकते हैं कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली नहीं था, क्योंकि वो पेपर में ला करके इन्फॉर्म किए हर एक स्टूडेंट्स को कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली है और इस प्रोसेस में आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपको फर्स्ट चॉइस आपका नहीं मिलता है तो आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक एडमिशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्लाइड अप होगा। चलिए वो मैं आपको पेपर का पुराना कटिंग भी दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं ये रहा इसका ऑफिशियली पेपर का अपडेट, जिसमें क्लियरली बताया गया था कि पीपीयू योग्य छात्र स्वतः होंगे स्लाइड अप पोर्टल पर ऑप्शन है, यानी आपको ऑप्शन पोर्टल पर नहीं मिलेगा अगर आप लॉगिन करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, यानी अगर आप लॉगिन करते हैं अपने डैशबोर्ड पे जहां से आपने एडमिशन लिया था, तो वहां पे आपको कभी भी स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप स्लाइड अप के ऑप्शन के इंतजार में नहीं रहिएगा कि एडमिशन ले लेते इसके बाद स्लाइड अप करते, बल्कि स्लाइड अप की प्रक्रिया इस बार ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। इस बार स्लाइड अप का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है, और जो मैंने अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई नोटिस को मैंने भी पढ़ करके बताया था, जिसमें बताया गया था कि अगर फर्स्ट वरीयता यानी अगर आपको प्रथम जो वरीयता आपके जो फर्स्ट प्रायोरिटी ही आपको मिल गया है तो आपका स्लाइड अप ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपका स्लाइड अप होगा ही नहीं। यही बताया जा रहा है कि अगर फर्स्ट चॉइस का कॉलेज आपको मिल गया है तो आपका स्लाइड अप नहीं होगा, और अगर आपका फर्स्ट चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है तो स्लाइड अप का ऑप्शन, और स्लाइड अप का ऑप्शन स्वतः होगा यानी ऑटोमेटिकली होगा। करने के लिए आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पोर्टल पर ऑप्शन नहीं, कहीं आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसमें पूरी विस्तृत इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया कि जो भी सारे तमाम स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन के लिए जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिला है, और अगर वो चाहते कि किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले जो वो चॉइस दिए थे, तो उनको उस कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोसेस आपका ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इसमें क्लियरली बताया गया। चलिए मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ ताकि आपकी ये डाउट्स जरूर क्लियर हो सके। इसमें देखिए बताया जा रहा है कई ऐसे छात्रों ने बताया है कि उन्हें अंतिम चॉइस ही दे दिया गया, पटना के कॉलेज के बजाय उन्हें मसौड़ी या दूरदराज के कॉलेज मिल गए। उन्होंने बताया है कि स्लाइड अप का बटन वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है, मैंने आपको बताया भी कि वो दिखेगा भी नहीं। तो इस पूरे मैटर पे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर एके नाग ने बताया है कि ऐसे छात्रों को नामांकन लेने की ज़रूरत नहीं है, फोकस ऑन दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट पे फोकस कीजिए। डीन सर के द्वारा बताया गया नामांकन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिला है तो अब जब आप नामांकन नहीं लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑटो स्लाइड अप हो जाएगा, और अगर आप नामांकन ले लीजिएगा तो यूनिवर्सिटी वाले समझेंगे कि वो कॉलेज ही आपको पसंद है और वैसे सिचुएशन में आपका स्लाइड अप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पेपर के माध्यम से क्लियरली ये इन्फॉर्म किया गया था हर एक स्टूडेंट्स को कि स्लाइड अप के बारे में, तो स्लाइड अप के बारे में अब आपका डाउट नहीं होना चाहिए, और ये आप विश्वास मानिए कि यूनिवर्सिटी वाले मेंबर आपके बात से पलट नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एडमिशन नहीं लीजिएगा, आपको स्लाइड अप मेंटेन किया जाएगा, आपका नाम हटा दिया जाएगा, इस प्रकार के आप अपने मन में डाउट्स नहीं लीजिए, क्योंकि ये एक स्टूडेंट्स इस पर डिपेंड नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर के अपडेट पर डिपेंड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी बात को लेकर के चल रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और क्लियरली यहाँ पर बताया भी गया था हेडलाइन के तौर पर कि स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं होने से कंफ्यूजन, तो स्लाइड अप का ऑप्शन आने वाला आपका नहीं है। तो अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, मतलब अगर आपका मनपसंद पेपर नहीं मिला है, तो आप कुछ भी नहीं कीजिए, आप छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली क्या आएगा, जब सेकंड लिस्ट आएगा तो स्लाइड अप हो जाएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट आने की जो उम्मीद है वो आपका 19 अगस्त को एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट 19 अगस्त के बाद आ जाए या 19 अगस्त को ही आ जाए, तो ये आपका सिस्टम है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड अप के प्रोसेस में है कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस ही दे दिया गया तो फिर आपके लिए स्लाइड अप काम नहीं करेगा। तो जो कैंडिडेट जिनका फर्स्ट चॉइस आ गया वो अपना एडमिशन 100% ले ले, अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो उनका नाम नेक्स्ट लिस्ट से हटा दिया गया जाएगा। तो वैसे कैंडिडेट का नाम हटाया जाएगा जिनका फर्स्ट चॉइस मिल गया होगा और एडमिशन नहीं लेंगे, तो वैसे कैंडिडेट का हटाया जाएगा। लेकिन अगर वैसे कैंडिडेट जिनका फर्स्ट में गलती से वो कोई अटपटांग सा कॉलेज दे दिए जो पसंद नहीं था, और वही कॉलेज फर्स्ट में आपका था, आपका अलॉटमेंट आ गया, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो वैसे तमाम सारे कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेंगे। जब लास्ट एडमिशन होगा स्पोर्ट एंड कैजुअल का एडमिशन, तो उसमें आपका एडमिशन होगा, और अगर अभी आप एडमिशन ले लीजिएगा तो स्पोर्ट कैजुअल में भी आप ट्राई नहीं कर पाइएगा। तो ज़बरदस्ती जो आपको मिल गया है आपको झेलना पड़ेगा अगले 3 सालों के लिए, क्योंकि मैं आपको लगातार समझाता हूँ एज ए एक्सपीरियंस्ड के लिए, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ज़बरदस्ती कोई ले लीजिएगा पेपर, यानी अगर आप कोई पेपर ज़बरदस्ती लेते हैं तो फिर आपके लिए वो झेलने वाला काम हो जाता है।
कॉलेज जहाँ तक है तो कॉलेज थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन पेपर में कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। जो आपका मनपसंद पेपर है आप उसी में एडमिशन लीजिए। अगर आप ज़बरदस्ती कोई दूसरा पेपर ले लीजिएगा तो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जो कि मैं लगातार आपको अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ, ताकि वो इस बात को लाइफ के इस जो मूड आता है ग्रेजुएशन का मूड, उसमें पेपर मैटर करता है या कॉलेज मैटर करता है, इस रेस में आपको पेपर को आगे रखना है, कॉलेज को पीछे रखना है। हाँ, कॉलेज भी मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले पेपर मैटर करता है। अगर आपको एक ही कॉलेज में अगर अच्छा पेपर मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी रखेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे सवाल उठ जाता है आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मन है, एक कॉलेज में मान लेते हैं कि एन कॉलेज में आपको मान लेते हैं कि आपको बीडी कॉलेज में मिल रहा है पॉलिटिकल साइंस, एंड आपको मिल रहा है हिंदी मिल रहा है एन कॉलेज में, आपको पढ़ने का मन है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन कॉलेज का प्रॉब्लम है कि आपके पास बीडी कॉलेज है, आपके पास एएन कॉलेज है, तो सबसे पहले आप अपने पेपर को प्रायोरिटी दीजिएगा। आप इस रेस में पॉलिटिकल साइंस को सबसे पहले आगे रखिएगा, क्योंकि ये आपका मनपसंद पेपर है, इससे आपका करियर सेट होगा। क्योंकि आगे के टाइम में आपका पेपर में ही, पेपर पर ही क्या होगा, आपका रिजल्ट आता है, कॉलेज पर आपका मैटर नहीं करेगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा वैल्यू, हमेशा प्रायोरिटी दीजिएगा पेपर को, ना कि कॉलेज को। तो ये जो स्लाइडअप का कन्फ्यूजन है, आशा जरूर करूंगा कि ये स्लाइडअप का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया हो। हालांकि इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए, जो भी सर एडमिशन से रिलेटेड आपको क्वेरी हो, जो भी सर आपको एडमिशन से रिलेटेड आपको सपोर्ट चाहिए हमसे, वो सपोर्ट के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको एडमिशन का सपोर्ट चाहिए वो आपको प्रॉपर मिल सके। सो गाइस, ऐसा करते हैं, ये जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो स्लाइड का कन्फ्यूजन है वो बाकायदा वो बताओ और आपका सॉल्व हो गया। गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।